अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर आपको भाई एक न्यू वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बेसिकली हमारी होगी रिस्क मैनेजमेंट पे, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी का सबसे बोरिंग टॉपिक है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी का सबसे अहम टॉपिक है, ठीक है। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगी ना, तो आप लोग ट्रेडिंग कभी भी ज़िंदगी में नहीं कर सकते, ठीक है। इस रिस्क मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब ही यह होता है कि रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मतलब रिस्क मैनेजमेंट अगर आप लोग करेंगे तो कितना हम अपने पोर्टफोलियो का साइज़ यूज़ करेंगे, कितना अपने फंड जो हैं वो रिस्क पे लगाएंगे, तो ये सब जो है ना, ये हमारा आता है रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट के हमारे पार्ट वन, पार्ट टू, शायद पार्ट थ्री भी आ जाए, शायद पार्ट फोर भी हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा दो पार्टों में ही इनको ख़त्म कर दूँ। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोगों ने गौर से देख के और गौर से समझना है, ठीक है। अपने पेन पेंसिल भी अपने साथ रख लो, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ फार्मूले इसके बताऊंगा। उन फार्मूलों को इस्तेमाल करोगे ना, तो आप लोग इंशाल्लाह पूरी उम्र आप लोगों की रिस्क मैनेजमेंट बड़ी प्यारी से होगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट की स्क्रीन पे और आप लोगों को सिखाते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अब मतलब हाउ नॉट टू लूज योर मनी, मतलब अपने पैसों को कैसे बचाया जा सके ताकि वो हमसे चले ना जाए, हमें नुकसान ना हो, लॉस ना हो। लेकिन एक चीज़ को आप लोग हमेशा एक चीज़ को आप लोग भी याद रखें कि कुछ देर तक आप लोग लॉस करोगे ना, तो आप लोग अपनी गलतियों से सीख के ना आप लोग फिर अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। पहले दिन से ये नहीं होता कि आप लोग पहले दिन से जाएं, पहले दिन से प्रॉफिट होकर हो भी गया तो आप लोगों की किस्मत अच्छी होगी, लग जाएगा। लेकिन अगर पहले दिन से आप लोग जाएँ थोड़ा थोड़ा करके ना करें ना, अगर आप लोगों को हफ्ते में चार दिन आप लोगों का प्रॉफिट होता है, तीन दिन अगर लॉस भी होता है ना, तो आप लोगों का बहुत बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि हमने अपने मनी को लूज़ कैसे नहीं करना, ठीक है। हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, उनमें से अगर आप लोग देखें तो 90% जो होते हैं ना, वो हम मनी लूज़ कर रहे होते हैं, और 10% जो है वो हमसे कमा रहे होते हैं, ठीक है। वो जो 10% कमा रहे होते हैं ना, वो क्या कर रहे होते हैं, वो 10% जो कमा रहे होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी उन 10% के लोगों में ले आऊँ, ताकि मैं आप लोगों को इतना एक प्यारा रिस्क मैनेजमेंट दिखाऊंगा ना इंशाल्लाह, कि आप लोग उस चीज़ को देखोगे, सीखोगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। हम इस टॉपिक में समझेंगे क्या यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ऑप्टिमम पोजीशन साइजिंग द 5% रूल। ये एक रूल है 5% रूल वो उसका, ठीक है। अब इसके बाद मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेवर रिस्क मोर देन 3-5% ऑफ यूर पोर्टफोलियो ऑन अ सिंगल ट्रेड। लाइक सिंगल ट्रेड, लाइक अगर आप लोग बाय कर रहे हो या सेल करो, वो एक ट्रेड है आप लोगों की, ठीक है। उसको हम कहते हैं सिंगल ट्रेड। उस ट्रेड में अपना जो पोर्टफोलियो का साइज होता है ना, वो 3-5% से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मैं तो आप लोगों को यही करूँगा कि 3% इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली 3% ही इस्तेमाल करता हूँ। अब आप लोग इस कैलकुलेशन को ज़रा देखें, ठीक है। आप लोग पेन पेंसिल उठा लें, अब आप कैलकुलेशन देख लें कि 3% हमने निकाले कैसे हैं या 5% हमने कैसे निकाले हैं, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल उठाई है कि मेरे पास कितनी है टोटल लिक्विडिटी, मेरे पास है $1,00,000 है, ठीक है। मैं $1,00,000 में से 5% अपने डॉलर जो है वो रिस्क करना चाहता हूँ, तो वो कितने हुए मेरे रिस्क, $5,000, ठीक है। मतलब 1,00,000 का जो मैंने 5% निकाला, तो 5,000 आ गया है। अगर आप लोग इस तरह 1,000 का निकालना चाहते हैं या 200 का होगा, 200 है आप लोगों के पोर्टफोलियो साइज है, जितने भी है, ठीक है। ये टोटल लिक्विडिटी का मतलब यही है कि मेरे पास अपने डॉलर कितने हैं, लेवरेज के बगैर है, ठीक है। अपने डॉलर कितने हैं, लेवरेज क्या होता है वो मैंने एक वीडियो में समझा हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों ने देख लीजिए, ठीक है। टोटल लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि आप लोगों के पास अपने कितने डॉलर हैं, $1,00,000 है, उसका मैं कितने करना चाहता हूँ, 5% जो है उसका मैं रिस्क करना चाहता हूँ। तो मैं $1,00,000 का 5% निकाल दूंगा, तो $5,000 आ जाएंगे, ठीक है। अब ट्रेडिंग साइज का मतलब ये है कि अब जो ट्रेड लगेगी उसका साइज कितना होगा, लेवरेज मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एट रिस्क, ठीक है। ट्रेडिंग साइज लेवरेज जो आप लोग लेंगे ना, लेवरेज, ठीक है। लाइक अगर 5 लेवरेज ले रहे हैं, अगर आप लोग 10 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, जितना भी ले रहे हैं, ठीक है। उसका जो 5,000 जो आप लोगों ने डॉलर लगाए होंगे ना, डॉलर मतलब $5,000 जो आप लोगों ने रिस्क करने होंगे, उसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मतलब लेट्स अज्यूम लेवरेज 20, हमने 20 लेवरेज उसके साथ लगाया, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब ये हो गया कि ये $1,00,000 आ गया। मतलब हमने क्या किया कि हमने टोटल लिक्विडिटी 1,00,000 निकालनी थी, मतलब 1,00,000 का हमने अपने साथ प्रॉफिटेबल साइज पड़ा था, उसका हम 5% रिस्क करना चाहते, तो 5% हमारा $5,000 आ गया, ठीक है।
ट्रेडिंग साइज हमारी क्या हुई, लेवरेज का मल्टीप्लाई करके हमने कैपिटल जो हमारा रिस्क था वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारा होगा ट्रेडिंग साइज आ जाएगा। इसके बाद हम लेवरेज पे आएंगे, तो लेवरेज 20 लेवरेज हम लेते हैं तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 20 तो हमारा $100,000 जो है वो जो है हमारी उससे ट्रेड लग जाएगी। लेकिन उस ट्रेड में क्या होगा कि हमारे जो $5,000 है ना वो रिस्क में होंगे, मतलब $5,000 का मतलब ये है कि ये 5,000 जो हमारे होंगे वो हमने इसको रिस्क में डाला होगा, ठीक है। अब लेवरेज शुड बी चूजन बेस्ड ऑन द नीडेड स्टॉप लॉस पॉइंट। अब लेवरेज हमेशा आप लोगों ने उस चीज़ पे रखना है ना कि इस्तेमाल करना है कि आप लोग को स्टॉप लॉस और लेवरेज इन दोनों को जहन में रखते हुए, बल्कि पहले आप लोगों ने स्टॉप लॉस को जहन में रखते हुए ना तब आपने जाके लेवरेज ले लेनी है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है रिस्क रेशो रिवार्ड, ठीक है। रिस्क रेशो रिवार्ड ये होता है कि हम रिस्क कितना कर रहे हैं और हमें रिवार्ड में कितना मिल रहा है। लाइक हम $5,000 तो हम रिस्क कर रहे हैं कि हमारा $5,000 चल गया तो खैर है, लेकिन हमें 5,000 के पीछे मिल कितना रहा है तो उसको हम आगे समझते हैं, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं रिस्क रेशो रिवार्ड, स्टॉप लॉस और लेवरेज, ये तीन। अब ज़रा इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ लें कि ये रिस्क रेशो क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या है, लेवरेज क्या है, ठीक है। यहाँ से एक ऊपर जा रही थी ट्रेंड, ऊपर थी तो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रख दी थी, जब इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रॉस कर ली तो यहाँ से हमने ट्रेड ले ली, ठीक है। अब हमने रिस्क कितना किया है, हमने 1% रिस्क कर लिया, तो जहाँ पे आप लोगों का 1% रिस्क होगा ना उससे थोड़ा नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। और 87% हमारा क्या है, 87% हमारा प्रॉफिट है। तो ये रिस्क और रिवार्ड ये बहुत अच्छे से मैनेज करना है आप लोगों ने, ये नहीं करना कि आप लोगों का रिस्क आप लोगों का 50% हो और स्टॉप वो जो रिवार्ड हो आप लोगों का 20% हो, नहीं नहीं, हमेशा रिस्क 5% तक रखें और रिवार्ड जो है 20-25-30 जितना आप लोग को सही लगता है वहाँ तक रखें। तो ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, अगर फिर भी नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद होता है, वहाँ पे आप जाके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ये आप ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ड्रा कर ली, रेजिस्टेंस ने इसको क्रॉस जब कर लिया कैंडल ने, हमने यहाँ से एंट्री ले ली, हमने 1% रिस्क किया है तो हमने 1% रिस्क पे स्टॉप लॉस लगा लिया और स्टॉप लॉस रिवार्ड कितना था हमारा 87% तो हमने उस पर TP हमारा लगा ली, ठीक है। इसके बाद एक तीन पॉइंट हैं, इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अहम पॉइंट हैं, इन चीज़ को आप लोग समझ लें, ये सिर्फ अपने साथ लिख लेना तो आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये है कि डोंट रिस्क मोर देन 3-5% इक्विटी ऑन अ सिंगल ट्रेड। ये मैंने शुरू में आप लोगों को बता दिया कि 3-5% की इक्विटी से ज़्यादा आप लोगों ने लाइक एक ट्रेड पे ज़्यादा रिस्क नहीं करनी, ठीक है। दूसरा हमारा ये है कि पोजीशन साइज मैटर्स नॉट लेवरेज। ये हमेशा याद रखना कि लेवरेज मैटर इतना नहीं करती जितना पोजीशन साइज मैटर करती है, क्योंकि लेवरेज आप यूज़ इसलिए करते हो कि पोजीशन साइज बढ़ जाए। लाइक पोजीशन साइज का मतलब ये है कि ट्रेड हमारे ज़्यादा डॉलर से लग जाए, अगर आप लोगों के पास डॉलर ज़्यादा होंगे तो वो ठीक है बगैर लेवरेज के। तो लेवरेज जो है ना ये एक हराम चीज़ है, अगर आप लोग इसको समझते नहीं है ना तो मैं तो कहता हूँ इसको हराम चीज़ है, ठीक है। तो पोजीशन साइज़ जो है ना ये बहुत मैटर करती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अब हमारा क्या है कि जो पोजीशन साइज है वो आपका उतना बड़ा होना चाहिए जितना आपको नीड होता है, ठीक है। लेकिन कब, जब आप 5% की इक्विटी पे अपना फंड जो है रिस्क कर रहे हो तब। लेकिन अगर आप 5% की इक्विटी पे अपना फंड रिस्क नहीं करो, 15% कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए जो पोजीशन साइज है ना वो मैटर नहीं करती, क्योंकि वो सारा कुछ आप लोगों का चला जाएगा। लेकिन जब आप लोगों के पोजीशन साइज चाहिए होती है ना तो आप लोगों ने सिर्फ 5% इक्विटी को ही रिस्क करने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, लेवरेज नीड्स टू बी डिटरमाइंड कीपिंग द स्टॉप लॉस इन माइंड। कि मतलब आप लोगों ने स्टॉप लॉस, अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है, लाइक इस एग्जांपल में अगर आप लोग देखें, अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, ठीक है, ये ग्रीन कलर जहाँ पे क्लोज ओपन हुई है ना, यहाँ पे अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस होता ना, तो अगर आप लोगों ने लेवरेज ज़्यादा लिया होता ना तो 2 मिनट में आप लोग का जाके ये स्टॉप लॉस हिट हो जाना था, ठीक है। तो इसलिए स्टॉप लॉस को ना आप लोग दिमाग में रखते हुए तब लेवरेज का इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस थोड़ा सी नीचे, अगर आप लोगों ने ज़्यादा लेवरेज लिया हो तो आप लोग ठप करके चले जाएंगे। अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस बहुत ही नीचे है और आपने कम स्टॉप लॉस लिया हो, लेवरेज सॉरी लिया हो, तो आप लोग का इतना प्रॉफिट नहीं होगा अगर आप लोग की पोजीशन साइज अच्छी नहीं है। तो इसलिए लेवरेज को, स्टॉप लॉस को माइंड में रखते हुए ही तब आप लेवरेज
लेना चाहते हैं 100 लेना चाहते हैं 200 मैक्स जो है 100-200 देते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी, अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप लोग जाके वहाँ पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।